हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। कैलकुलेटर में जो कैलकुलेट हो रहा है वो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं। तो हाँ, आपने सही समझा है, मैं कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जैसे सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर होता है, जैसे वर्क करता है, सेम टू सेम मैं भी जो कैलकुलेटर बनाऊंगा वो वैसा ही वर्क करेगा। जो साइड में दिख रहा है वो मैंने बनाया है, और बाकी जो इधर जो साइड दिख रहा है सिस्टम का कैलकुलेटर है। तो जो सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर वर्क करेगा उसी के सेम टू सेम मेरा भी कैलकुलेटर वर्क करेगा। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेटर का एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमसे सबसे पहले मैं उस सॉफ्टवेयर को बताना चाहता हूँ कि जिस सॉफ्टवेयर पर मैं वर्क कर रहा हूँ। जो आप भी यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल में जाइए और उस वहाँ पर टाइप करिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जैसे टाइप करेंगे तो आपको स्क्रीन पर शो करेगा, और उसको डाउनलोड करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर गूगल में टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, तो जो करेंट वर्जन है वही आपको डिस्प्ले करेगा, उसी को आपको डाउनलोड करना है। तो अभी मैं टाइप किया हूँ, तो लेटेस्ट वर्जन इस समय चल रहा है 2022, यानी 2022 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उसी को हम डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के जैसे कंप्लीट होगा, अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जैसे मैं क्लिक किया तो इस यहाँ सबसे पहले विंडोज़ के लिए बता रहा है, और दूसरा जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बता रहा है। तो हमें वर्क करना है विंडोज़ पर करना है, तो विंडोज़ वाले क्लिक करते हैं। लिखा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर क्लिक कर दें तो कम्युनिकेटी प्रोफेशनल, तो जिसमें आपको करना है वो क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्लिक कर दिया प्रोफेशनल वर्जन, तो ये डाउनलोड शुरू हो गया, कुछ ही समय में डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो सिस्टम के अंदर नेट होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जो डाउनलोड कर रहे हैं वो 60 में एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा। तो जब भी आप इंस्टॉल करना तो सिस्टम के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए, तभी जाके इंस्टॉल। अब देखते हैं, ये डाउनलोड पे जाते हैं और देखिए हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। इसी पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट करते हैं, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद यह कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब ओपन करते हैं, और ओपन हो गया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसके जो लेफ्ट साइड है वो लिखा है रिसेंट प्रोजेक्ट, जो पहले से प्रोजेक्ट बना चुके हैं वो है। उसके बाद पहले इसमें लैंग्वेज सेट करते हैं कि किस लैंग्वेज जो हम बना रहे हैं, तो हम सी शार्प में बना रहे हैं। सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसके अंदर हम उस लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मतलब प्लेटफार्म को बताता है कि किस प्लेटफार्म पर हमें वर्क करना है, तो हम जिस प्लेटफार्म पर वर्क कर रहे हैं वो उसका नाम है विंडो फार्म, तो विंडो फार्म को सिलेक्ट करते हैं। लास्ट में टाइप बताता है कि जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहा हूँ वो किस टाइप का है, डेस्कटॉप का है कि आपका मोबाइल का है। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन जो बनेगा इसी डेस्कटॉप के लिए बनेगा। अब इसमें हम प्रोजेक्ट नेम बता रहा है, तो प्रोजेक्ट नेम में आप कोई भी अपना नाम डाल सकते हो, जो जिस काम से करो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड करो, उसी का नाम डालना चाहिए। तो मैं यहाँ कैलसी नाम का प्रोजेक्ट नेम डाल दिया, और नेक्स्ट लोकेशन बता रहा है कि जो प्रोजेक्ट बनेगा वह कहाँ स्टोर होगा। जैसे इन प्रोजेक्ट नेम डाल करके जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा स्क्रीन पर शो करेगा डाउन, कुछ टाइम लेगा लोडिंग होने में, उसके बाद आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि डिजाइन का पार्ट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर का डिजाइन पार्ट एक अलग होता है और दूसरा होता है कोडिंग का पार्ट होता है। तो पहले हम देखते हैं इसका डिजाइन को हम कैसे डिजाइन करेंगे, तब उसके बाद कोडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो कैलकुलेटर आप लोग देखिए स्क्रीन पर देखे हैं, वैसा ही सेम टू सेम हम क्रिएट करना आपको बताएंगे कि वह कैसे क्रिएट होगा। अब देखिए विंडो फॉर्म जो है, हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, ओपन हो गया। इसको हम रिसाइज करते हैं कि कैलकुलेटर के फॉर्मेट का बनाते हैं, कि जैसा कि जितना कैलकुलेटर का साइज होता है लेंथ और विड्थ, उसी टाइप का हमने इसको साइज, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। जो फार्म वन लिखा है उसको हम नाम चेंज कर देते हैं कैलसी नाम का, क्योंकि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो यहाँ आप भी नाम चेंज कर सकते हो। तो लिखा है फार्म वन, इसको हमने कैलसी नाम दे दिया। तो जहाँ फार्म वन
फार्म वन लिखा था वहाँ कैलसी लिखा, या कैलकुलेटर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर इसमें पहले से पढ़ा था तो थोड़ा नाम मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी रिजल्ट होगा, जो भी इनपुट देंगे आउटपुट उसी के अंदर शो करेगा, तो हमको पहले टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसमें बहुत कम कोडिंग किया जाता है, ड्रैगन ड्रॉप जो भी डिज़ाइन के लिए होता है ड्रैगन ड्रॉप किया जाता है, आप उठाकर यहाँ से डाल दो। यहाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया, थोड़ा इसकी साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं। साइज इंक्रीज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक लेबल लेते हैं। लेबल में हम लिख देते हैं कि जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, जो मेन टास्क क्या है। तो मेरा टास्क है कि इस एप्लीकेशन में हम कैलकुलेटर को बना रहे हैं, तो यहाँ इस लेबल को प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहाँ से हम इसके नाम को चेंज करके बना देंगे, लेवल वन को कैलकुलेटर का नाम दे देंगे, जो बड़े स्क्रीन में दिखेगा हेडिंग की तरह दिखेगा, तो वहाँ पर हम इसका नाम हमने कैलकुलेटर दे दिया। अब इसको जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक को दिखेगा। अब जो इसकी साइज जो है बहुत कम दिख रहा है, थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, ताकि आप जब तक दिखेगा समझेंगे नहीं आप, तो तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम मैंने इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, फंड भी चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो इसका फंड में इसका फंड और इसकी साइज बोल्ड कर दिया, और इस साइज मैंने हाँ फंड चेंज कर दिया। देखिए आप क्लियर देख लिया, तो आप इसको भी सीरी साइज कर देते हैं, सेंटर में ला देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सही हो गया। अब इसके कुछ बटन्स होता है, क्योंकि मेन काम बटन्स पर ही होता है, तो अब जो काम है बटन्स क्रिएट करते हैं। जितना भी 0 से 9 है आपका, जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल और इक्वल, ये पूरा बटन पर ही काम करता है। एक एक बटन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 0 बटन स्टार्ट करता हूँ। 0 बटन के लिए मैं इसके नाम को चेंज कर देता हूँ, VN0 कर देता हूँ, यानी 0 से 9 तक की जो भी कोडिंग भी होता है सेम होगा। और पहले मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ कि मैं डिज़ाइन कर लूँ, तो पहला जो बटन है इक्वल, यानी जो दिखेगा हमको वहाँ इक्वल लगाते हैं, और नेम में डाल देंगे N0, क्योंकि वह कोडिंग करने में हमें आसान हो जाएगा। और जिस बटन पर हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ऐसे 9 का है, तो उस तरह के वहाँ पर हम नेम चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैं इक्वल बटन को बना लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, 0 बटन चाहिए। तो 0 के लिए मैं बताया था कि N0 नाम दे देंगे, ताकि जब कोडिंग पर जाएंगे, कोडिंग के पार्ट पर जाएंगे, तो आसानी से हमको समझ में आएगा कि किस बटन पर हम वर्क कर रहे हैं। तो नाम वहाँ हम दे देंगे N0। यहाँ पर हमें डिस्प्ले करने के लिए हमें टेक्स्ट में 0 डाल प्रेस कर देते हैं, 0 डाल देते हैं, तो हमें दिखेगा कि ये 0 का बटन है। और नेम के अंदर इसको हम डाल देंगे N0, ये नेम है, डिज़ाइन के अंदर लिखा है नेम, और यहाँ बटन 1 को हटा करके N0 कर देते हैं, क्योंकि जब कोडिंग के पार्ट में हम जाएंगे तो वहाँ हर बटन का कोडिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ आप समझ जाएंगे कि किस में मैं वर्क कर रहा हूँ। ये 0 बटन स्टार्ट बन गया। इसी तरह से जितने भी बटन हैं हमारा 0 से लेकर 9 तक, और प्लस से लेकर मॉड्यूल, फिर क्लियर करने के लिए एक CL बटन बनाएंगे। 0 का थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, और ये मॉड्यूल का बटन है। ऐसे ऐसे जितने भी बटन्स हैं उसको हम एक एक करके आपको दिखाता हूँ, कहाँ से क्या करना है, कहाँ नाम आपका चेंज करना है, कहाँ उसका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो नाम चेंज करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखेगा, इस बटन पर दिखेगा, और उसका नाम जो चेंज करते हैं वो हम जब हम कोडिंग के पार्ट पर जाएंगे तो वहाँ दिखेगा। तो ऐसे करके हम जितने भी बटन्स हैं कैलकुलेटर का सब हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ एक एक बटन को हमने नाम को चेंज कर दिया। ये 3 है, 3 का को हम चेंज किया 2 है, उसके बाद 1 है,
यहाँ पर वन है, यहाँ वन की जरूरत है, यहाँ वन डाल देते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका वैल्यू नाम वैल्यू और चेंज कर देते हैं और उसका नाम चेंज कर देते हैं। लगभग लगभग बटन्स क्रिएट हो गया, बस उसको एडिट करना है, नाम चेंज करना है। तो जीरो से लेकर आपका 5, 6 तक चेंज हो गया है। अब बचा है हमारा 7, 8, 9 और क्लियर बटन बचा है, इसको हम बना लेते हैं। ये 9 बटन है। क्लियर सी पर कट, सी को जैसे प्रेस करेंगे तो पूरा जो इसमें का जो टेक्स्ट में इनपुट किए रहेंगे नंबर्स वो सब कट जाएगा। जो यहाँ पे जो कोडिंग है ऑन और आपके लिए भी ऑन, आपके लिए कोडिंग मैं नहीं किया हूँ, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ। यदि आपको डिजिटल जैसे कैलकुलेटर रहता है तो वहाँ पर लिखा रहता है ऑन और ऑफ, तो अभी हम जो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, सिस्टम पर ही काम करेगा, तो इस पर इसका वर्क नहीं है, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ ऑन और ऑफ के लिए। उसके बाद सी एल मतलब क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मैटर होगा, जो भी नंबर होगा, उसको क्लियर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा। डिजाइन का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आते हैं कोडिंग के पार्ट में। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है। तो कैलकुलेटर के अंदर कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 वेरिएबल हमें चाहिए। तो 2 वेरिएबल मैंने ले लिया और उसको मैं डबल इंटीजर नहीं लिया, फ्लोट भी नहीं लिया, डबल ले लिया। डबल लेने से बहुत सारे फायदे हुआ कि इंटीजर का वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो, आप फ्लोट का भी वैल्यू प्रेस कर दो। अब आइए एक डेमो के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो काम कर गया। और वेरिएबल की बात किया था, तो 2 वेरिएबल्स हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल लिया, और एक चौथा जो है ऑपरेशन के लिए मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने लिया। अब जीरो का के लिए कोडिंग मैं कर दिया, तो इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 एंड टेक्स्ट बॉक्स डॉट नल, यदि नल नहीं है तो उसमें हम 0 को इनपुट करा देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम 0 डालेंगे, इसी के सेम जितने भी 0 से 9 बटन है सबको वही करेंगे। एक चेक बना देंगे, यदि टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट नल नहीं है तो हम वहाँ पर 1 प्रेस करा देंगे। यानी यही कोडिंग सब सेम सब में रहेगा, 0 से 9 में रहेगा। तो वही कोडिंग मैं सेट कर रहा हूँ, एक में टाइप किया उसी को कॉपी पेस्ट सब में कर रहा हूँ। 0 से 9 तक का जो कोडिंग है सेम है। सबसे पहले एक चेक बना देंगे, नहीं यानी कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट, यदि 2 का बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू उसमें 2 एंड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट नॉट नल, तो उसके अंदर हम 2 को पास करेंगे, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में हम 2 पास करा देंगे। और यही क्रम सब में होता जाएगा, यदि ऐसा ट्रू है तो होगा, नहीं तो उसमें हम पास कराएंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स डॉट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स प्लस 2, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट प्लस करने का मतलब जो पहला इनपुट रहेगा वो भी रहेगा और जो बाद में इनपुट करेंगे तो उसके लिए भी हम ऐसा करेंगे। इसीलिए हम जो कोडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोडिंग में आपको बता रहा हूँ, तो जो भी कोडिंग है 0 से 9 तक वो सबका सेम होगा। यानी पहले चेक करेगा इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 4 एंड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यदि ऐसा है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में 4 आ जाएगा, अदरवाइज यह कंडीशन फॉल्स हो गया तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस 4 आ जाएगा। तो जैसे ही ये कोडिंग सबके लिए सेम है, 0 से 9 तक के सेम है। अब हम कुछ ऑपरेशन की बात करूँ, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो उसका जो कोडिंग है उसके लिए जो कोडिंग मैं बता रहा हूँ उसका पहले तो एक नंबर चाहिए हमको। तो नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर को मैं कन्वर्ट डबल में कन्वर्ट करा दिया, कन्वर्ट डॉट 2 डबल और ब्रैकेट में पास कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 तो प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल में कह दिया, और दूसरा बार टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में प्लस जब एडिशन करना हो तो हम प्लस पहले नंबर को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद प्लस अप्लाई करेंगे, तब दूसरा नंबर अप्लाई करेंगे। दूसरा नंबर के लिए जब इक्वल बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो
कोडिंग करेंगे वहाँ दूसरा नंबर से स्टार्ट होगा। अभी हमें क्या चाहिए प्लस के लिए, तो पहले प्लस को साइन को प्रेस करने से पहले हमें एक नंबर चाहिए, नंबर के बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये भी सेम है, प्लस माइनस आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में थोड़ा चेंज है, लेकिन सबके लिए सेम है। एक नंबर को पास करा देंगे और टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में हम नल वैल्यू पास कर देंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब जाके हमको दूसरा नंबर चाहिए। तब यदि प्लस में प्रेस कर रहा हूँ तो आपका प्लस करेगा, माइनस कर रहा हूँ तो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन कर रहा हूँ तो डिवीजन करेगा। तो ऐसे कोडिंग सब में हो जाएगा, सेम कोडिंग वही जैसे 0 से 9 में बताया था उसी तरह से प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबके अंदर सेम होगा। तो यही आपको जो कोडिंग आपको दिख रहा है, बस वहाँ पर मैं एक जगह कोडिंग किया, सब कोडिंग कॉपी करके सब में पेस्ट कर दिया, बस वहाँ पर चेंज कर दिया, ऑपरेशन चेंज कर दिया कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो क्या होगा। तो इसका थोड़ा अब डिवीजन के अंदर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कि जो जिस डिविडेंडर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला मैंने कंडीशन लगा दिया, पहला जो मैं कंडीशन लगाया था डिवीजन के लिए तो उसमें ये था कि यदि हमारा सेकेंड नंबर, यदि हम डिवाइड का सिंबल प्रेस कर रहा हूँ उसमें यदि सेकेंड नंबर हमारा 0 है तो वहीं पर रुक जाएगा, उसमें मैसेज पास करा देंगे कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब जाके रिजल्ट में फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकेंड नंबर और जो रिजल्ट आएगा टेक्स वन में आ जाएगा। तो ये डिवीजन का था, कोडिंग लगभग सबका सेम है, बस डिवीजन के अंदर थोड़ा मैं चेंज कर दिया कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 हो गया तो हमारा वहीं पर रुक जाएगा। अब इक्वल के लिए क्या करते हैं कि पहला तो हमने नंबर इनपुट कर लिया जितने भी ऑपरेशन थे, अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू कन्वर्ट टू डॉट टू डबल डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। उसके बाद एक कंडीशन लगा, यदि ऑपरेशन को परफॉर्म करना तो ऑपरेशन के लिए हम डाल देंगे, यदि हमारा प्लस है तो प्लस करेगा, डिवीजन है तो डिवीजन करेगा, और रिजल्ट में डाल रिजल्ट में जैसे मान लो एडिशन हमें करना है तो रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, और उसको जो रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट करा के टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में पास कराया, क्योंकि जो भी हमें रिजल्ट चाहिए या इनपुट चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स में से मैं ले रहा हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डाल रहा हूँ। तो इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से हम इनपुट ले रहे हैं वहीं पर उसको हम आउटपुट डाल दे रहे हैं। ये डिवाइड के लिए है, यदि डिवाइड जो दूसरा नंबर जिससे हम डिवाइड करें वह 0 है तो वहीं पर मैसेज पास कर दें कि जो 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, जब यह कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके रिजल्ट में फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकेंड नंबर और उसका रिजल्ट टेक्स्ट वॉक 1 डॉट टेक्स्ट में पास करा देंगे। फिर क्लियर के लिए टेक्स्ट वॉक 1 डॉट क्लियर एक फंक्शन होता है, फंक्शन को कॉल करा देने से वो हमारा पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। तो ये हमारा इन कोडिंग है, पहले मैं डिक्लेयर किया हूँ 4 वेरिएबल को मैं डिक्लेयर किया हूँ, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर रिजल्ट और ऑपरेशन, चारों का जो डेटा टाइप है वो डबल है और बाकी बारी बारी से एक एक करके हमने कोडिंग किया है। 0 को मैं बताया था कि यदि कंडीशन एक चेक बनाए, यदि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0 और उसको पास करा दिया, यदि नल नहीं है तो उसके अंदर 0 पास हो जाएगा। उसी तरह से 9 तक मैं ऐसे सेम कोडिंग कर दिया, फिर ऑपरेशन के लिए मैं अलग अलग किया, फिर ये चेक बनाया, एक नंबर लिया उसको चेक किया, यदि ऐसा है तो प्लस अप्लाई होगा नहीं तो नहीं होगा। अब इस तरह से कोडिंग कंप्लीट हो गया हमारा, अब वो इसको कंपाइल कराते हैं और चेक कराते हैं कि हमारा कम काम कर रहा है आउटपुट, पहले चेक तो मैं पहले करा चुका हूँ और ये कोडिंग भी कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।